आपको हार मिला कि नहीं मिला? महाराज, हमने हार वही ऊपर वाले कोने में ही कहीं रखा था। अरे कोना नहीं छोटी महारानी जी, हमने कोने का भी कोना छान मारा है, किंतु आपका हार तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। छोटी महारानी जी, ये कार्य आप अपनी किसी दासी से भी करवा सकती है, फिर हम ही क्यों? महाराज, हमें ज्ञात है कि हमारा कार्य करने में आपको अति प्रसन्नता होती है। ऐसा हमने कब कह दिया? महाराज, भावनाओं को शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, आपके नेत्रों में हमारे लिए प्रेम दिखाई देता है। आप हमसे इतना प्रेम जो करते हैं। वो तो है। अयो, याद आया, हार तो हमने यहाँ रखा ही नहीं था। स्नान गृह में स्नान के पश्चात हमने वही छोड़ दिया था, हम अभी लेकर आते हैं। हाँ। अरे हम अभी आए। छोटी महारानी जी, अभी आते हैं। अरे हमारी सहायता तो कीजिए यहाँ से नीचे उतरने में। क्यों महाराज, प्रेम में थोड़ा कष्ट तो होता है ना? प्रेम में कष्ट तो होता ही है, जैसे आपके प्रेम में। अर्थात आपने तो हमारा सिंहासन उल्टा करवा दिया। पता नहीं आपको क्या आनंद प्राप्त हुआ, परंतु दूसरों का तो सुख चैन गया ना। वो तो हमें भली भांति पता है। क्या पता? यही कि पंडित रामकृष्ण सब ठीक कर देंगे। अच्छा, पंडित रामकृष्ण पर इतना भरोसा? क्यों, आपको नहीं है? आप तो अपने मूंछों के लिए भी उन्हीं से सलाह लेते हैं। हाँ, परंतु आपको इस विषय में थोड़ा व्यवहारिक होना चाहिए। पंडित रामकृष्ण एक सामान्य मनुष्य है, कोई भगवान तो है नहीं। संभवतः वो भी कभी किसी ऐसी परिस्थिति, ऐसी किसी विपदा में फंस सकते हैं जहाँ से वो निकलना पाए। पंडित रामकृष्ण कभी नहीं फंस सकते, उनके पास हर विपत्ति का हल होता है। हर विपत्ति का हल हम नहीं मानते। शर्त लगाइए। शर्त लगाते हैं, संभवतः पंडित रामकृष्ण ऐसी किसी परिस्थिति में फंस सकते हैं या फंसेंगे जहां से उनका बाहर निकलना असंभव होगा। शारदा, आज हमने आपकी मनपसंद सब्जी बनाई है। अरे वाह, कौन सी सब्जी बनाई है? करेले की। क्या, परंतु मुझे करेला कहाँ पसंद है? मैंने कब कहा मुझे करेला पसंद है? एक निवाला भी कंद से उतारना मुश्किल हो जाता है। परंतु आप ही ने तो कहा था, जब मनुष्य भूख से अत्यंत व्याकुल हो जाता है तो उसे करेला भी मिष्ठान भांति स्वादिष्ट लगने लगता है। तो आप जब अत्यंत भूखे होंगे तो आपको भी ये मिष्ठान भांति स्वादिष्ट लगने लगेगी, अपनी मनपसंद सब्जी लगेगी। बड़ी चतुर हो तुम। उठा लो। क्या? अपने मनपसंद भोजन की पोटली उठा लो। ये शारदा करेले की सब्जी खिलाती रहती है और अम्मा लाठी बजा बजा कर आंदोलन करती रहती है। क्या हुआ अम्मा, फिर से कोई सपना देखा? आने वाला है। क्या सपना? सपने वाला आने वाला है। अम्मा कह रही है उन्होंने मंगली सतैया को बुलाया है। मंगली सतैया रात सी नाई, उसे जो भी स्वप्न आता है वो सच हो जाता है, ऐसा सभी कहते हैं। हाँ सत्य है, मैंने भी सुना है, परंतु उसे क्यों आमंत्रित किया है? मुझे लगता है अम्मा के अंदर किसी बच्चे की आत्मा घुस गई है। देखो कैसे बच्चे की तरह कर रही है। आप कुछ भी नहीं समझते हैं क्या? अम्मा को मुद्दा चाहिए। भी भाई या बहन तो मिलते थे सके। अच्छा, तुझे भी भाई बहन चाहिए? इधला इधला, हट। अरे बंद करो तुम लोग ये नाटक। यदि दरबार समय पे नहीं पहुंचा तो महाराज मुझे निष्कासित कर देंगे, तब अपने बच्चे को अच्छी तरह से पालन पोषण करके बड़ा कैसे करूंगा? बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए। मूर्ख, हम नहीं कह रहे हैं, अम्मा कह रही है। मूर्ख, तू मुझे सिखाएगा? जब भी दरबार जाते हो कोई ना कोई समस्या लेकर आते हो, इसलिए मंगली सतैया को बुलाया है। वो आकर भविष्यवाणी करेगा कि कब बालक होगा, उससे भेंट करके फिर ही दरबार जाना। माँ तुम सुनो तो,
मत। साफ कर दूंगा। अम्मा जी प्रणाम, आपने बुलाया था, लीजिए, मैं उपस्थित हो गया। अम्मा कह रही हैं आप पहले आकर बैठिए। साफ कर दूंगा। बताइए अम्मा जी, किसकी दाढ़ी साफ करनी है? इनकी? इनकी दाढ़ी तो पहले से ही साफ है, और आप दोनों की तो है ही नहीं, और इसकी तो अभी उगी भी नहीं है। अब क्या साफ करूं अम्मा? अम्मा को पोता चाहिए, इन्हें लगता है कि आप हमें बताएंगे। और मैं? कैसे? इनको लगता है कि आप हमें बताएं कि आपको कब स्वप्न आएगा, और फिर ये भी बताएं कि हमारे घर बालक कब आएगा। अम्मा, मुझे जो भी स्वप्न आता है वो सत्य हो जाता है, पर इस पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है अम्मा। पता नहीं सपन कब आए और कब नहीं। पर नहीं अम्मा, सपन कभी भी आ सकता है और कुछ भी आ सकता है। हाँ, पर मैं भविष्य वक्ता नहीं हूं अम्मा। यही बात तो मैं भी तब से अम्मा को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कोई भविष्यवक्ता नहीं हो, पर फिर भी हमारे लिए कभी कोई स्वप्न आए ना तो अवश्य बताना, ठीक है? प्रणाम, कोई स्वप्न आएगा तो मैं बता दूंगा, साफ कर दूंगा। हाँ हाँ, साफ कर दीजिएगा जी। माँ, जब हमारे घर बलना बनना होगा तब बन जाएगा, अभी मुझे विलंब हो रहा है, दरबार पहुंचना है, चलता हूँ। उठा लो। क्या? अपनी भोजन की पोटली उठा लो और दरबार के लिए प्रस्थान करो। हाँ ठीक है, करेले की सब्जी के साथ। गुरुजी, कैसे ये सेवक उस दुष्ट पंडित का आसन पोछ रहा है। आपके आसन को क्या, आपको भी कोई पोछ पोछ नहीं रहा है। गुरुजी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब यही ना कि हमें दरबार से निष्कासित कर दिया जाएगा, यही ना कि हमें संन्यास धारण करना होगा। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, हमें सब विदित है। महाराज कृष्ण देव राय पधार रहे हैं। महाराज कृष्ण देव राय की, 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 महाराज कृष्ण देव राय की। पंडित रामकृष्ण महाराज। पंडित रामाकृष्ण की प्रतीक्षा करना व्यर्थ, उन्हें समय का महत्व ही कहां है महाराज। प्रतिदिन ऐसा होता है महाराज, पंडित रामाकृष्ण ने किसी न किसी बहाने दरबार में विलंब से आने का नियम बना दिया। ऐसा नहीं है आचार्य, हो सकता है कि पंडित रामाकृष्ण किसी आवश्यक कार्य में व्यस्त हो गए हो, आते ही होंगे वो। अच्छा, थोड़ा धैर्य रखिए आचार्य। दरबार से अधिक महत्वपूर्ण कार्य कोई हो सकता है? बोलिए महाराज, हमारे विचार से हमें दरबार की कार्यवाही प्रारंभ करनी चाहिए। नहीं करो, ऐसा नहीं चलेगा। पंडित रामकृष्ण को चेतावनी दी जाएगी, यदि आज के पश्चात वो राज दरबार में विलंब से आए
तो उनको प्रवेश नहीं मिलेगा। और महाराज महाराज को प्रतीक्षा करवाने का दंड भी उन्हें अवश्य मिलना चाहिए। प्रणाम महाराज। पधारिए पधारिए पंडित रामकृष्णा जी पधारिए। पंडित रामकृष्णा, विलंब से आने का कारण क्या है? क्षमा करें महाराज, आपको तो विदित ही है, जैसे राजहट होता है, बालहट होता है, स्त्री हट होता है, वैसे ही मेरे घर पे अम्मा हट होता है। स्पष्ट शब्दों में बताइए पंडित रामकृष्णा। अब क्या बताऊं महाराज, अम्मा यदि एक हट पकड़ लेती हैं तो फिर वो किसी की नहीं सुनती। अब आज उन्होंने हट पकड़ लिया कि उन्हें एक बालक चाहिए। बालक? शिव 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 शिव, लज्जा आनी चाहिए। अब बताइए, इनकी अम्मा को दूसरे का बच्चा चाहिए, अपहरण करेंगे? अरे नहीं 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 आचार्य, ये आप क्या कह रहे हैं? शिव 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 शिव, बालक अर्थात उनका पोता, मेरा पुत्र। पोता? अद्भुत पंडित रामकृष्णा, अम्मा का विचार अद्भुत है। जी महाराज, अब आप ही बताइए, बालक आकाश से तो अवतरित नहीं होगा। जी महाराज, उन्होंने तो मंगली सतैया को भी घर पर आमंत्रित कर लिया। अब मंगली सतैया बताएगा कि हमारे घर पर बालक कब आने वाला है, वो पहले स्वप्न देखेगा फिर हमें बताएगा। हमने भी मंगली सतैया के बारे में सुना है, सुना है कि वो जो भी स्वप्न देखते हैं वो सत्य होते हैं। महाराज ये तो संयोग भी हो सकता है ना, अन्यथा ऐसा कहीं होता है भला? ये देखिए महाराज, ये देखिए, इनका तो स्वभाव ही ऐसा हो गया, हर बात को संदेहजनक दृष्टि से देखते हैं। तुम्हारा हृदय हमारी तरह विशाल होना चाहिए, हमारी तरह बड़प्पन होना चाहिए। ये भी तो हो सकता है कि मंगली सतैया को पूर्व जन्म का फल मिला हो, उसे वरदान प्राप्त हो कि उसके देखे स्वप्न सत्य होते हैं। जी आचार्य, आप सत्य कह रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह ना जैसे आप ईश्वर के सामने बैठकर उनसे वार्तालाप करते हैं। क्यों? हम विचार कर रहे थे कि अगली बार जब हम मंगली सतैया से मिलेंगे तो उनसे पूछेंगे उनके स्वप्न के बारे में। मंगली सतैया को हमारे घर उपस्थित होने का न्योता दो। जी गुरु। अब फंसेगा पंडित रामकृष्णा, इसके साथ वो होगा जो इसने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा। मंगली सतैया, मुझे क्यों बुलाया गुरु? क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? अगर कोई त्रुटि हो गई है तो अभी साफ कर दूंगा। कल रात्रि हम कैलाश पर्वत गए थे भगवान शिव से भेंट करने। लगता है स्वप्न में गए होंगे, क्योंकि कल रात तो ये थर्राटे मार मार के सो रहे थे। गए थे। हमने भगवान शिव से अपने भक्तों के बारे में भी बात की, तुम्हारे बारे में भी की। थोड़े क्रोधित थे भगवान तुमसे, तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है, ऐसा कहा भगवान शिव ने। साफ कर दूंगा। मूर्ख, भगवान शिव के विषय में ऐसी बातें करते हो? नहीं नहीं गुरुजी, अपने पापों को साफ कर दूंगा। कुछ लाभ नहीं होगा, तुम लोगों को मिथ्या स्वप्न बताकर मूर्ख बनाते हो। नहीं गुरुजी, मैं तो जो स्वप्न देखता हूँ उनके बारे में लोगों को बताता हूँ, मैंने कोई पाप नहीं किया गुरुजी। परंतु फिर भी तुमने जो पाप के कार्य किए हैं उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। क्या करना होगा गुरुजी? कुछ अधिक नहीं, ये जो आसन है
इस पर खड़े हो जा। पर मैं कोई बालक हूँ? ये कैसा प्राश्चित है गुरुजी? मूर्ख प्राणी, हमारे गुरुजी से प्रश्न करता है। तुझे हमारे गुरुजी पे भरोसा नहीं है? गुरुजी, इसने बहुत बड़ा दुस्साहस किया है, इसे अभी दंड दीजिए। नहीं 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 गुरुजी, मैं चाहता हूँ। जा। मुझे क्या करना होगा गुरुजी? बस कुछ अधिक नहीं, तुम्हें एक स्वप्न आया है। नहीं आया गुरुवर, नहीं आया। आया है, राजघराने के विषय में आया है। कोई सपना नहीं आया, नहीं आया गुरुजी। नहीं आया तो आने वाला है। गुरुजी, मुझे कब और कैसा स्वप्न आएगा ये कोई नहीं जान पाया और ना जान सकता, आप भी नहीं। मैंने कुछ नहीं किया गुरुजी, मैं सच कह रहा हूँ। हम चाहते हैं कि तुम्हें स्वप्न आए, अवश्य आए। गुरुजी, अब यूं ही मुझे कब तक खड़े रहना होगा गुरुजी? जब तक तुम्हें अनुभूति नहीं हो जाती कि स्वप्न आएगा, अनुभूति हुई? हो गया। क्षमा करो गुरुवर, क्षमा करो। मैं सब समझ गया, आप जैसे कहेंगे वैसा ही होगा। क्षमा क्षमा गुरुदेव, क्षमा कर दीजिए गुरुदेव। अब तुम्हें कौन सा स्वप्न आएगा वो हम तुम्हें बताएंगे, और कल वो स्वप्न तुम महाराज के समक्ष बताओगे। समझ गए या फिर से आसन पर? समझ गया गुरुदेव, जैसे आपका आदेश, जैसा आप कहें सब साफ कर दूंगा। और वो स्वप्न क्या होगा वो हम तुम्हें बताएंगे, और कल वो स्वप्न तुम महाराज के समक्ष बताओगे। अभी सब भैया, तुम्हें हो क्या गया? तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? वो साफ कर दूंगा। मंगली, हम सब जानते हैं। तुम्हें क्या लगता है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है? इतनी बुरी मालिश तो आज से पहले तुमने कभी नहीं दी। तुम्हारे मालिश से हमारी थकान कम नहीं, अभी तो बढ़ती जा रही है। किस व्यथा में हो मंगली? हाँ, क्या समस्या है मंगली? क्षमा करें महाराज, अगर आप मुझे प्राणों का अभयदान दे दें तो मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ महाराज। निर्भीक होके कहो, क्या कहना चाहते हो? कल रात मुझे फिर से स्वप्न आया था महाराज। तुम्हारे स्वप्न तो सत्य होते? जी जी महाराज। तो बताओ क्या स्वप्न देखा? महाराज, इस बार स्वप्न आपसे संबंधित है। कल रात मेरे स्वप्न में आपके पिता श्री नरसिंह नायक जी ने साक्षात दर्शन दिए महाराज। वो स्वयं मेरे सपने में आए थे। रामकृष्ण के लिए कुछ भी असंभव नहीं, उनके पास हर विपत्ति का हल होता है। हाँ, अब होगी पंडित रामकृष्ण की अग्नि परीक्षा।